बहुत बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूंगी और अपना बेस्ट देती रहूंगी। जी मैं उसको लेकर सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अब मैं घर लेकर आई हूँ तो दो मेडल और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे और मेहनत करने का। जी क्या कुछ चल रहा था जब दिमाग में थर्ड वीक हुआ है सेकंड आने वाला था, क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी दिमाग में? उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं, तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूं। जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले तो बहुत अच्छा लगा। जी कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद से वापस फिर ट्रेनिंग शुरू करूंगी। मुझे दरअसल कार्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स। सुपर कार्स हालांकि इंडिया में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है और बट मुझे बहुत सारी कार्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी एक ऐसी लिस्ट है बट आई थिंक उनमें से पोर्शे है जो मुझे बेहद पसंद है और मतलब हर सेगमेंट में कुछ हैं, BMWs की कुछ कार्स हैं, मर्सिडीज के कुछ कार्स हैं और रेंज रोवर के कुछ कार्स हैं, तो आई थिंक हर ऑडी के हैं, तो आई थिंक हर एक सेगमेंट में कुछ कार्स तो ऐसे होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। तो मेरा सोशल मीडिया काफी लंबे समय से बंद था, लगभग डेढ़ दो महीने से तो मैंने कुछ भी देखा ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल है ओलंपिक्स को लेकर। तो मेरे ख्याल से एक वो फैक्टर था जिसने काफी मुझे हेल्प किया और काफी मैं फोकस रह पाई और मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ था कि मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग काफी इंटेंस रही थी और मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में मैं बस उसी को फॉलो करूं और बस अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दूं। थैंक यू।